वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। हमारे पास क्वेश्चन है राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखेंगे। ये एक क्वेश्चन है कि ये फोर क्वेश्चन हैं हमारे पास, और ये हमारे पास जो है फ्रैक्शंस में हैं। ये एक फ्रैक्शन है, एक ये, तो हर क्वेश्चन में फोर फ्रैक्शंस ही हैं यहाँ पर। ओके, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको पता होना चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े नंबर से छोटे नंबर को, ठीक है, अरेंज करना। बड़े नंबर से छोटा नंबर पहले हम देखेंगे, बड़ा नंबर कौन सा है पहले उसको लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे एंड पे जो छोटा होगा वो आएगा। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है, जैसे यहाँ पर था कि सबसे पहले छोटा लिखना होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे हमारे पास डिनोमिनेटर में तो सेम है 7, इसलिए आप न्यूमरेटर्स को देखें। सबसे छोटा 2 है, देन 3 आता है, सबसे छोटा 2 आता है, फिर उसके बाद 3 बड़ा, फिर उसके बाद 4 बड़ा, फिर उसके बाद 6 बड़ा। मतलब हमने सबसे छोटे से स्टार्ट किया और बड़े नंबर की तरफ हम गए, ठीक है। इसमें असेंडिंग में छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाना होता है, और डिसेंडिंग में बड़े से छोटा, ये ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने बड़े से छोटे नंबर की तरफ जाना है। तो डिनोमिनेटर सबके सेम है। अच्छा, न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर्स का पता है, ये फ्रैक्शन है, तो इसमें जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ओके, समझ आ गया। डिनोमिनेटर्स आपके पास सेम है सब क्वेश्चंस में, बस आपने न्यूमरेटर्स को देखना है, सबसे जो बड़ा है वो पहले आपने लिख देना है, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट पे सबसे छोटा। 4, 2, 3, 5, तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, 5। इसका मतलब ये फ्रैक्शन सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं, तो 5/6 सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा। 5/6 आ गया। 5 से छोटा कौन सा होता है, फिर हम 4 पर जाएंगे। ओके, बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो 4/6, देन 2/6 के 3/6, तो 4 से छोटा 3, 3 से भी छोटा 2 होता है, इसलिए पहले 3/6 लिखेंगे, फिर 2/6 लिख देंगे, और ये हमने सॉल्व कर लिया। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम हेडिंग देते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है। अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या मतलब हो गया, आपको समझ आ गई होगी, बड़े से छोटा। सबसे बड़ा 8 है, 1 है, 4 है, या 3 है, 8 है, तो इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन हम सबसे पहले लिख लें। फिर हमारे पास 1 है, 4 है, 3 है, तो 8 के बाद और हमारे पास छोटा नंबर 4 आएगा, तो 4/7 लिख लेते हैं, और फिर 3/7 लिख लेते हैं, और सबसे छोटा हमारे पास 1/7 है, उसको लास्ट पे लिख लें। बड़े से स्टार्ट करना है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। अब सी, इसमें डिनोमिनेटर सेम है, अब आप सोचें क्या है इसका, जल्दी जल्दी जी। सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ गया, ये, फिर ये, फिर उससे छोटा ये, फिर सबसे छोटा ये, तो हम सबसे पहले इस फ्रैक्शन को लिखेंगे 7/9 को, देन 5/9 को, देन हम लिखेंगे 7/9 लिख लिया, 5/9 लिख लिया, 3/9, देन 1/9 सबसे छोटा। इसी तरह डी है, लास्ट उसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, अब हमने न्यूमरेटर्स को देखना है, सबसे बड़ा क्या है, 9 है, फिर उसके बाद उससे छोटा 8 है, उससे छोटा 4, और सबसे छोटा 2 है, तो इसका मतलब ये वाली सबसे पहले फ्रैक्शन आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये, और फिर ये, तो 9/10 हमने सबसे पहले लिख लेना है यहाँ पर, और फिर हमारे पास आना है 8/10, वो लिख लें, उसके बाद आप लिख लें 4/10, और उसके बाद क्या लिख लें, 2/10, और ये हमारे पास आ गया, अरेंज हो गया। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है। जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आएँ, फ्रैक्शंस हों, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं कि आपने सबसे पहले बड़ा नंबर देखना है, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरह, और आपके पास सॉल्व हो जाएगा। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।